आज ही डाउनलोड करें। ट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। तो अगले इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक मतलब होता है पल्की और हिंड्रेंस मतलब होता है दिक्कत तो किसी ग्रुप के बड़ा होने से या बल्कि होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे स्ट्रक्चर या उनकी रिएक्टिविटी पे दिक्कतें आती है तो हम उनको बोलते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस है ठीक तो है तो जैसे हमारा इससे सालकिन है तो इससे सालकिन में अगर हम इसको अच्छे से एक्सपैंड करके बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं उनके बीच में हिंड्रेंस है ये है ना और अगर हम इस इनसी के कंपैरिजन में अगर हम ट्रांस एल्किन बनाते हैं तो देखिए ट्रां एल्किन में एक एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक छोटा सा हाइड्रोजन है तो इनके बीच में हिंड्रेंस नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी दो एटम्स या ग्रुप्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आए और वो डिस्टेंस कितना होता है सम ऑफ फंडरवल्स रेडियो उनके सम ऑफ वंडरवर्ल्ड रेडियो जितने डिस्टेंस पर आ जाए या उससे कम डिस्टेंस पर आ जाए तो उनके बीच में हम, हम बोलते हैं कि हिंड्रेंस है तो डेफिनेशन क्या है टू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स इन एन organic molecule at a distance less than or equal to the sum of their Van der Waals radii less than or equal to the sum of Van der Waals radii Wonderwall's रिपेल यू अदर ड्यू टू स्पेशल क्राउडिंग रिपेल ड्यू टू स्पेशल क्राउडिंग तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन स्टेरिक हिंड्रेंस की अब स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है तो देखिए हमारे जैसे एक कार एसिड है ठीक है सीओ एच अगर मैं इसकी ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दूं ना और इस ऑर्थो पोजिशन पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो ये जो सी ओ एच रिंग के साथ रेजोनेंस में था तो वो बेंजीन के रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सी ओ एच रिंग के पेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है अब अगर ये सीवेज पेंडिकलर प्लेन में चला गया तो रेजोनेंस में नहीं आ पाया रेजोनेंस में नहीं आ पाया के साथ तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये एच प्लस देगा देखो ओ माइनस इसने एच प्लस दे दिया तो इसके सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एक तो ये जो मैंने अभी बनाया एक ये जो मैं अभी बना रही हूँ ठीक है दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से ये और दो जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो इसकी एसिडिटी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड acid की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो ये इफेक्ट है किसका स्टेरिक हिंड्रेंस का क्योंकि सी ओ एच और मिथाइल ग्रुप में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस थी जिसकी वजह से सी ओ एच को परपेंडिकुलर प्लेन में जाना पड़ा और जिसकी वजह से हमें पता चला कि सिर्फ हमारे दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने वो एकदम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने जिसकी वजह से एसिडिटी ऐसे ग्रुप्स की इंक्रीज हो गई ठीक है बाकी और भी इफेक्ट्स स्टेरिक हिंड्रेंस के रिएक्टिविटी पे क्या क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स से ट्वेल्थ से लेके मीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल 10 का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ पर